नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी के नए चेयरमैन बने रवि मनुभाई परमार। केके पाठक ने स्कूल में बच्चों के जमीन पर बैठने को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बिहार में डीए में बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को होगा लाभ। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मिली मंजूरी। हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या की तारीफ की। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी के नए चेयरमैन बने रवि मनुभाई परमार। रवि मनुभाई परमार को बिहार लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। रवि मनुभाई परमार साल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बताया जाता है कि बीपीएससी के चेयरमैन का पद संभालने के बाद रवि मनुभाई परमार 6 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। मालूम हो कि बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के रिटायरमेंट के बाद बीपीएससी की कमान इम्तियाज अहमद करीमी को सौंपी गई थी और ये 7 दिनों में रिटायर हो गए और उसके बाद दीप्ति कुमारी ये पद संभाल रही थी। हालांकि अब मनुभाई परमार को बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, सुनील कुमार होंगे नए शिक्षा मंत्री। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जदयू और भाजपा की ओर से अपने अपने कोटों के मंत्रियों को विभाग दे दिया गया और सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन विभाग सौंपा गया है। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इधर शीला मंडल को एक बार फिर से परिवहन विभाग का कमान सौंपा गया। जयंत राज भवन निर्माण मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होंगे, जबकि रत्नेश सदा को उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग की कमान सौंपी गई है। वहीं संतोष सुमन को प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया। ईडी ने बालू कारोबारी के बिहार समेत झारखंड के ठिकानों पर मारी रेड। ईडी ने बालू कारोबारी के बिहार समेत झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी की है। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के धनजीहा गांव स्थित कुंज सिंह के आवास पर आज सुबह से ही छापेमारी की गई और उसके अलावा इनके धनबाद की झरिया स्थित आवास में भी छापेमारी हुई। बताया जाता है कि बालू से जुड़े कारोबार के मामले में ये छापेमारी की गई है और इसके अलावा आरा के नगर मोहल्ले में एक दूसरे कारोबारी मोहन सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की रेड हुई। आरा के आलिशान मकान में 6 सदस्य जवानों की टीम ने छापेमारी की। आवास के बाहर भी जवानों की तैनाती की गई। केके पाठक ने स्कूल में बच्चों के जमीन पर बैठने को लेकर अधिकारियों के दिए सख्त निर्देश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने स्कूलों में बच्चों के जमीन पर बैठने को लेकर अधिकारियों और प्रिंसिपल को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से स्कूलों में कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बेंच की कमी को जल्द ही पूरा किया जाए और इसके लिए राशि का आवंटन किया जा चुका है। नालंदा में अपर मुख्य सचिव ने स्कूलों की स्थिति को सुधारने को लेकर आदेश दिया, वहीं जल्द ही रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। एसीएस ने कहा है कि स्कूलों में राशि की कमी नहीं है, इस राशि को सही ढंग से खर्च करने की जरूरत है। बिहार में डीए में बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को होगा लाभ। बिहार में डीए में बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। डीए में 4% तक का इजाफा किया गया है। सरकार के सरकारी सेवक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी के प्रभाव से 46% की जगह 50% का महंगाई भत्ता मिलेगा। जानकारी के अनुसार इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशन भोगियों को 221% के स्थान से 230% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति मिल चुकी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। केके पाठक ने फिर रोका कुलपतियों का वेतन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपतियों के खिलाफ एक्शन लिया है। शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने पर एक बार फिर से कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रण और कुलपतियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही विश्वविद्यालय के खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल बीते दिन शिक्षा विभाग ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन राज्यपाल की ओर से कुलपतियों आदि को इस बैठक में जाने की अनुमति नहीं थी, इस कारण ये बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग को बैठक रद्द करना पड़ा था और साथ ही कुल सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दे दी है। दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत ये मंजूरी दी गई है और इसके बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविचंद्रन शंकरन ने बयान दिया। उन्होंने कहा है
कि काफी दिनों से इस योजना के लिए सरकार को प्रपोजल दिया जा रहा था। खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बात को स्वीकार लिया है। गरीबी के कारण नहीं खेल पाने वाले खिलाड़ियों का इस योजना के कारण सीधा लाभ पहुंचेगा। आपको बता दें कि जिले से लेकर राज्य स्तर पर खेलने वाले 500 खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ओलंपिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर 25 खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार में 9वीं और 11वीं के बच्चों के इस गलती से रद्द हो सकती है रजिस्ट्रेशन। बिहार में 9वीं और 11वीं के छात्र और छात्राएं अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इसके बाद छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हें 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों की सूची अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग से 23 मार्च तक मांगी है। सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों और छात्राएं बोर्ड की परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। भागलपुर का सुल्तानगंज गंगा घाट रिवर फ्रंट की तरह होगा विकसित। भागलपुर का सुल्तानगंज गंगा घाट रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। बिहार सरकार ने इसके लिए 146.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नमामि गंगे घाट से लेकर कृष्णगढ़ घाट तक पक्की घाट का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर पूर्व में सर्वेक्षण हो चुका है। अजगैबीनाथ मंदिर के बगल में पुरानी उत्तरवाहिनी धार में सीढ़ी घाट निर्माण कार्य के प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया है और इससे अब पर्यटकों को काफी फायदा होने वाला है। कांवरियों के साथ ही भक्तों को यहाँ आसानी होगी। मालूम हो कि शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और इस कारण यहाँ सालों भर भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती कथित पेपर लीक मामले में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़े सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को समस्या हुई। आखिर इसका कारण क्या है? हमने महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी है, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। हमने केवल दिनों में 2 चरणों में लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बाद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिस कारण तीसरे चरण की नियुक्ति में लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में 2 नेताओं को मिली जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा। बिहार में 2 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू से राज्यसभा के सांसद संजय झा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं दूसरी ओर हम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अनिल कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। संजय झा के राज्यसभा में सांसद के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद बिहार सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम विधायक को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। मालूम हो कि जेड श्रेणी की सुरक्षा 22 कर्मियों की सुरक्षा होती है, जबकि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 8 कर्मियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि आरजेडी को 28 सीट, कांग्रेस को 9 और भाकपा माले को 2, इधर भाकपा को 1 सीट मिल सकती है। राजद सबसे अधिक सीटों के साथ चुनाव लड़ेगी। साल 2004 के चुनाव में भी राजद की ओर से सबसे अधिक 26 उम्मीदवार उतारे गए थे। उस दौरान राजद को 22 सीटों पर जीत मिली थी। 22 सालों के बाद राजद फिर से अपनी क्षमता का अधिकतम प्रयोग करने के लिए तैयार है। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को महागठबंधन के सीटों का ऐलान हो जाएगा। प्रशांत किशोर का बयान, बिहार में डरी हुई है भाजपा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा डरी हुई है और ये नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जितना सभी भाजपा को ताकतवर मानते हैं उतना ताकतवर वो पार्टी नहीं है। यही कारण है कि वो बिहार में किसी न किसी पार्टी को अपने साथ लेकर चलती है ताकि उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार वो धरती है जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पहले सभी प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। भाजपा को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर आपकी क्या राय है? चुनावी बॉन्ड पर कन्हैया कुमार ने दिया बयान। चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसी कंपनी पर ईडी की रेड होती है, उसके बाद वो कंपनी भाजपा को चंदा देती है, इसके बाद वो केस चलना ही बंद हो जाता है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने
भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दिया है। ये एक भ्रष्टाचार का तरीका है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। कांग्रेस नेता ने चुनावी बॉन्ड को एक्सटॉर्शन बॉन्ड बताया है, साथ ही कहा है कि सीधे तौर पर सरकार वसूली कर रही है। हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पांड्या ने अपनी कप्तानी की क्षमता को साबित किया है। एक अच्छे लीडर की उनमें सभी गुण है। हरभजन सिंह ने कहा है कि साल 2022 में आईपीएल का खिताब जिताने में उन्होंने मदद की थी और उसके बाद साल 2023 में वो उप विजेता थे। हरभजन सिंह ने बताया कि हार्दिक पांड्या ने साल 2015, 17, 19 के अलावा साल 2020 में भी मुंबई इंडियंस के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत हासिल की है। हरभजन ने बताया कि हार्दिक एक ऐसे व्यक्ति है जो चुनौतियों का सामना करते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक राजनंदनी, संजीव कुमार, पवन सिंह, विशाल कुमार, दीपक कुमार, राम हृदय पंडित, नवल किशोर झा, अजीत कुमार, धनंजय कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, गोनर शर्मा, उमेश श्रीदेव, सादुल्ला पालवी, संजय कुमार, पीयूष कुमार, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिलना क्या उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।